अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वैस। आप देख रहे हैं वैस टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी जो बाइक होती है उसकी बैटरी जो होती है वो उसका पानी अगर ख़त्म हो जाए, मतलब तेजाब ख़त्म हो जाए, तो वो किसी काम की नहीं रहती। जब डेड हो जाती है तो किसी काम की नहीं रहती। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आप बैटरी जो 550 की आपने बैटरी लेनी, उससे अच्छा आप ये कैपेसिटर देख रहे हैं। ये कैपेसिटर मैं लेके आया हूँ टीवी इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट की मार्केट होती है वहाँ से लेकर आए हैं। ये मुझे दोनों जो कैपेसिटर हैं ना वो 60 रुपये के पड़े हैं, ठीक है। ये 550 रुपये की बैटरी से अच्छे ये कैपेसिटर हैं, और मैं आपको इसको बाइक में इंस्टॉल करके चेक भी करवाऊँगा, इसका साउंड चेक करवाऊँगा, हॉर्न चेक करवाऊँगा, इंडिकेटर इशारे वगैरह हर चीज़ आपको मैं चेक करवाऊँगा ये दो कैपेसिटर से, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैं कैपेसिटर के जो हैं यूज़ वगैरह आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों कैपेसिटर जो है 35 वाट, और ये आपको नज़र आ रहा होगा, और 35 वाट का ये कैपेसिटर है दोस्तों, और ये 25 वाट 3300 माइक्रोफायरा, और ये 2200 माइक्रोफायरा का कैपेसिटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो आपने कैपेसिटर ले आने हैं, बहुत ही अच्छा ये वर्क करेंगे दोनों। ये तकरीबन आपके लाइफ टाइम के हैं, लाइफ टाइम बैटरी में आपको बनाना तरीका बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप ये जो देख रहे हैं बैटरी, ठीक है, ये बैटरी का ऊपर वाला कैप है, ये मैंने इसको उतारा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये लगा था, इसके ऊपर मैंने इसको उतारा है, ये देख सकते हैं इसकी किस तरह की हालत है। ये आप देखें, ये बैटरी है जो 550 रुपये की आती है, ये डेड हो चुकी है। तो अब मैं बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ में लेके आएंगे हम, ठीक है दोस्तों। ये देखें, ये इसके अंदर प्लेटें, तो हम इसको निकाल लेंगे प्लास की मदद से। ये देखें, इस तरह से हमने इनको बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, हमने प्लास की मदद से ये देख सकते हैं, हमने इसके अंदर से ये जो इसकी प्लेटें अंदर ये जो करंट पैदा करती हैं ये हमने निकाल दी हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बाहर आ चुकी हैं, ये अंदर से खाली हो चुका है, और इसके अंदर काफ़ी गंद है, जो अब हम इसको धो के इसके अंदर से निकाल लेंगे दोस्तों। तो अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। तो दोस्तों, हमने सिंपली इसको अंदर से वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं अंदर से पूरी तरीके से वॉश हो चुकी है, साफ सुथरी। अब हम सिंपली करेंगे ये दो कैपेसिटर जो हम लेके आए हैं, ठीक है। तो इसके जो है ऊपर वोल्टेज वगैरह और माइक्रोफेरा वगैरह, इसके जो है ऊपर पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिख के दे दूँगा, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। और नहीं देख सकते तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इनकी वायर को इस तरह सीधा कर लेंगे, और जो ये आप देख रहे हैं ये बीच में जो इनके लगे हुआ प्लास्टिक, तो हमने ये तो तीन प्लास्टिक हैं दरमियान वाले, इनको हमने तोड़ देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर होल कर लिया, ठीक है। और जो ये कैपेसिटर हैं आप देख सकते हैं, अब मैं आपको बताऊं इसका नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब प्लस और माइनस की वायर कौन सी होती है। ये जो ब्लैक वाली देख रहे हैं ये माइनस है, ये देखें कैपेसिटर के ऊपर ये जो बना हुआ बॉक्स छोटा सा, ये माइनस की है। वाइट कलर की जो है ये पट्टी, ये माइनस की है, और ये जो रेड है ये प्लस की है, ठीक है। और इस पर भी देख सकते हैं यहाँ पर डब्बा सा बना हुआ है, दो डब्बे बने हुए हैं, ये माइनस की है और ये प्लस की है, ठीक है। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा प्लस माइनस कौन सा है। और दोस्तों, आपने इसी बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो है वायर इधर उधर ना आप लगाएं, जहाँ एक तो होगी ना बैटरी की जहाँ बाइक की वायर्स आ रही होती हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसमें एक रेड होती है और एक ग्रीन होती है, ठीक है। तो जो ग्रीन वाली में हमने ब्लैक लगानी है, रेड वाली में रेड लगानी है। तो दोस्तों, सिंपली अब हम इन दोनों को इस तरह इकट्ठा करके इसके साइडों पर टेप कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने इसके ऊपर टेप कर दी, देख सकते हैं आप, ये टेप कर दी है हमने अच्छे तरीके से। और अब हम ये देखें, ब्लैक वाली साइड पर, रेड वाली रेड वाली साइड पर। दोस्तों, सिंपली हमने अब इनको इस तरह छोड़ देना है, और
क्या देख सकते हैं हम इसके अंदर इस तरह डाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर डालने के बाद इसको छोड़ दें आप, और आपने अब जो करना है ये इसका जो ऊपर वाला कैप है दोस्तों इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह ये देखें, ये तो गल चुका है, बहुत हैवी बैटरी होती है, इसके अंदर जो लगा होता है वो तेजाब से ना सब ख़त्म हो चुका है, ये देखें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने ना ये जो देखते हैं ये दूसरा यहाँ से हमारी वायर आ रही है, और ये ऊपर वाला कैप भी खुल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को हटाना है, तो दोस्तों हमने सिंपली उसको उतार के तो हमने ये होल कर दी, ये देखे यहाँ से वायर लगी, ठीक है, और ये होल हुए हुए थे पहले की, और हमने यहाँ पे जो लगा था ना इसको उतार लिया, इसके जो यहाँ पे लगे प्लास्टिक लगा हुआ था ना वो हमने ये देखें ये उतार लिए, यहाँ पे लगे हुए थे, तो हम इसको वापस लगा देंगे। इस सिंपली आपने इसको उतारना कैसे है, यहाँ पर इसमें पेचकस रख के ऊपर हैमर मारना है तो ये निकल आएगा, ऊपर आएगा, इसको उंगली से निकाल लें। तो जो मैंने इसको उतारा है ये इस तरह लगा हुआ था, यहाँ पर भी पेचकस रख के हथौड़ी मार के इसको इस तरह से निकाल लिया, तो ये भी आसानी से निकल आया, तो वो भी निकल आया। तो अब हम सिंपली करेंगे दोस्तों ये देखें, इसको इस तरह से मोड़ लेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर डाल देंगे इस सुराख के अंदर, ये देखिए वायर आ गई। तो अब हम करेंगे ये कि ये जो कैपेसिटर है इनको ग्लू गन से अंदर चिपका देंगे, तो इसको हम ग्लू गन लगा देते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों हमने ग्लू गन लगा दी है, और अब हम लगाएंगे इसके अंदर कैपेसिटर, इसको इस तरह से बिठा देंगे अंदर कि ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, दोस्तों हमने इसके अंदर इसको सिंपली बिठा दिया, ये बैठ चुके हैं एक जगह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैपेसिटर फिक्स हो गए इसके अंदर, और ये जो वायर है हमने यहाँ से निकाल ली है, ये देखें ये वायर हमने निकाल ली। आपने दोस्तों ये देखें इसमें एक लाइन डली हुई ब्लैक कलर की, और ये होगी हमारी प्लस, यहाँ पे निशान भी बना हुआ ये माइनस और ये प्लस, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी वायर है, ठीक है दोस्तों। इतना मुश्किल काम नहीं, बहुत ईजी से आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम ये वाली वायर लगाएंगे इसमें, ये देखिए ये आई इधर से, और सिंपली हम इसके अंदर इसको डाल देंगे, ये देखिए। ये दोनों वायर्स निकल आई, अब सिंपली हम ये देखें इस तरह से ये माइनस वाली होगी, सॉरी हम दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये प्लस हम इसके साथ जोड़ देंगे, और ये ऊपर माइनस बना हुआ है, तो प्लस जो होगा हमारे माइनस होगा, क्योंकि दोस्तों ये वायर्स उधर तक पहुंच नहीं रही, तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे ताकि हमारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये जो माइनस वाला है ना ये प्लस है, और जो प्लस है ये माइनस है, क्योंकि इस वजह से दोस्तों ये देखें माइनस प्लस नीचे से वही है, क्योंकि वायर्स इधर तक पहुंच नहीं रही थी, तो इसलिए हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ा। तो यहाँ पर भी इसको कर देंगे, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इन वायर्स को हमने ज्वाइंट कर दिया, और अब हम इसके ऊपर करेंगे टेप, अच्छी तरीके से हम टेप करेंगे इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप तरीके से इसके ऊपर टेप करें ताकि ये जो वायर ना आपस में टच ना हो, इस बात का ख्याल रखना। तो दोस्तों हमने इन वायर्स को आपस में ज्वाइंट करके टेप कर दिया, अब सिंपली से हम इसके ऊपर इसका कैप लगा देंगे इस तरह से, अच्छे तरीके से इसको बिठा दें, ठीक है, तो कहीं से ये ओपन ना हो, बस ये जहाँ ऊपर होल है यहाँ से ओपन,
ठीक है। तो अब हम सिंपली करेंगे दोस्तों, ये इसके ऊपर लगा देंगे ग्लू गन ताकि ये मजबूत हो जाए। आप चाहें तो एल्फी भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्लू गन मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने लगा ली। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं ग्लू गन अच्छे तरीके से ताकि ये निकले ना बाद में। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, लगा रहे हैं हम, यहाँ पर भी लगा देंगे, हर साइड पे लगा देंगे, चारों साइडों पे। कहीं से आपने ग्लू गन को छोड़ना नहीं। तो अच्छे तरीके से लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर कैप इसका लगा दें, इस तरह से इसके ऊपर उठा दें और अच्छे तरीके से दबा के और इसको 2 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दें ताकि ये पक्का हो जाए। ये देख सकते हैं इसको हमने अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया, अब ये कहीं जाएगा नहीं, फुल पक्का हो गया। और ये देख सकते हैं आप, फिक्स हो गया अपनी जगह पे। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे जो ये देखें, ये जो ऊपर वायर्स के होल बना हुआ है, ये वाला होल ये देखें, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको। ये देखें हमारी बैटरी भी इस टाइम तैयार हो चुकी है, फुल तैयार है, कोई चीज़ रहती नहीं। बस अब ये हवादारी के लिए हमने छोड़ा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आप होल, ये जो वायर्स वाले होल हैं इनके ऊपर हम लगाएंगे ग्लू गन। ये देखें हम अच्छे तरीके से इसके अंदर ग्लू गन डाल देंगे ताकि वायर भी ना निकले और हमारे जो ऊपर इसके कैप भी लगते हैं इसके ऊपर, वो कैप भी लग जाए, हमारे कैप भी लग जाए और ये वायर्स भी ना निकले। तो अच्छे तरीके से हम कैप भी लगा देंगे। तो इसके ऊपर हम इसके कैप रख देंगे, ये वाला हमने लगा दिया, अच्छे तरीके से ग्लू गन भी साइड पर कर दें। दोस्तों ये बहुत लाइट वेट बैटरी तैयार हो चुकी है और ये पहले जैसी नहीं रही, भारी नहीं रही, अब हल्की हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर से हमने प्लेटें निकाल ली हैं लोहे वाली और हमने 2 कैपेसिटर डाल दिए, तो बहुत लाइट वेट हो चुकी है बैटरी। तो अब हम इस बैटरी को आपको बाइक में चला के दिखाएंगे, इसके हॉर्न इंडिकेटर हर चीज़ आपको चेक कराएंगे। और चलें अब हम चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आपको अपनी बाइक में इसको लगा के दिखाऊंगा, इस बैटरी को। तो दोस्तों ये वो बैटरी जो हमने ऊपर बनाई है, अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें एक रेंच की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से हम ये स्क्रू खोल लेंगे। ये देखें दोस्तों, ये इस तरह से हमने खोल लेना है इसको। दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो पाइप आ रहा है, ये बैटरी के इधर लगता है, यहाँ पर करके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करके ये जो पानी होता है बैटरी का, वो जब लीक होता है तो यहाँ पे गिरता है। देखें दोस्तों ये यहाँ पे करके गिरता है, जिसकी वजह से ये देखें इसका कलर जो है उतर गया है, ये तेजाब की वजह से, ये तेजाब लीक होता है। लेकिन आपको इस चीज़ की भी अब टेंशन नहीं, जैसी मैंने हमने बैटरी बनाई है, अब हम इसके अंदर इस बैटरी को इस तरह से लगा देंगे। ये देखें दोस्तों, जैसे पहले हमने न्यू बैटरी हम लगाते हैं आम बैटरी, ये भी इसी तरह इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। ये देखें आ चुकी है बैटरी, तो हमें इस पाइप को लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम लगा देते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको ये भी बात बता दें कि आप जब इसको स्टार्ट करेंगे अपनी बाइक को, तो ये आपकी बैटरी तब काम करेगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये आपकी बैटरी जो के अंदर हमने बैटरी के अंदर जो लगाए हैं वो कैपेसिटर हैं, वो बैटरी पर काम करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, जो माइनस वाला है वो प्लस का है और जो प्लस वाला है वो माइनस का है। तो जो प्लस वाला है हम इसमें लगा देंगे, ये देखें इस तरह से हम लगा देंगे, और ये माइनस वाली माइनस के साथ। तो दोस्तों आपको इस बैटरी को अभी हम नहीं लगाएंगे, आपको पहले इसका उसी तरह साउंड चेक कराते हैं जैसे ये आम होती, बैटरी भी नहीं होती ना, इसका कैपेसिटर वगैरह कुछ भी नहीं, हम आपको उसी तरह स्टार्ट करके दिखाएंगे आम, ठीक है। ये इसकी कैसे हॉर्न का साउंड है और जो इंडिकेटर का फ्लैशर उसका कैसा साउंड है, पहले आप हम उसको चेक कराते हैं। देखिए हमने वायर नहीं लगाई, ये भी उतार देते हैं। तो अब ये हमने दोनों उतार दिए, आपको अब चेक कराते हैं इसका साउंड। देखिए ये इसकी लाइट भी जो ब्लिंक कर रही है, और इसकी फ्रंट लाइट भी आप देख सकते हैं काफ़ी लो है। अब हम आपको इसका हॉर्न चेक कराते हैं, ये बंद हो चुकी है हमारी बाइक, दोबारा स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि इसका हॉर्न कितना लो था, अब आपको इंडिकेटर का फ्लैशर चेक कराते हैं। तो दोस्तों आप ये देखें ये किस तरह से काम कर रहा है, बहुत ही लो है। और ये देखें इस टाइम इशारा ऑन है, और अब हम हॉर्न चलाएंगे तो ये देखें हॉर्न की आवाज़ है। तो दोस्तों हमने इसको बगैर कैपेसिटर के बगैर बैटरी के हमने इसको चला के दिखाया, तो आप देख सकते हैं इसकी कैसी आवाज़ थी। तो अब हम आपको कैपेसिटर लगा के चेक कराते हैं और इसका आपको साउंड चेक करते हैं, इसका साउंड अब कैसा है। तो दोस्तों अब हम आपको इसका हॉर्न चेक कराते हैं, इसका हॉर्न सुनिए कैपेसिटर पे लगा और इसका इंडिकेटर का साउंड चेक करें। बाइक ऑफ होगी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने इस बैटरी को कम्प्लीटली बना लिया और हमने इंस्टॉल भी कर लिया, दोस्तों ये लाइफ टाइम आपकी चलेगी, बैटरी कभी ख़राब नहीं होगी। ये जो बैटरी होती है कंपनी से आती है, उसका जो तेज़ाब होता है गिर के, उसका ये हाल हो जाता है। देखें इसका कलर उतर चुका है, ठीक है, तेज़ाब गिर गिर के यहाँ पर जंग भी लग चुका है। ये देखें ये सारा तेज़ाब का जंग है। तो आपको इस चीज़ से भी छुटकारा मिल गया और आपको 550 रुपया भी बच गया, 60 रुपये में आपकी ये बैटरी तैयार होगी। और ये देख सकते हैं बाइक में इंस्टॉल है, बस दो कैपेसिटर लगे हैं जो बैटरी के अंदर हमने इंस्टॉल किए हैं, बाकी निकाल दिए उसके अंदर से, और ये हमने वायर्स लगा दी हैं प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।